शाम देत कहती हूँ। इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो रोजाना आप शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक आप मेरे साथ होते हैं, और इस वक्त इबादत रमजान का जो है किचन मौजूद है और मेरे दरमियान शेफ वर्षा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वरीशा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अब मैं फर्स्ट क्लास, आज क्या बन रहा है मेरी जान? अच्छा थोड़ा सा चिकन हम इसको फ्लेम को आठ तेज कर दें जी। ताकि जो है ग्लैम गैस के जो है चूल्हा और जो बर्तनों को नहीं करेगा काला। चले जी हम यहाँ पर आ जाते हैं, आज क्या बन रही है बताइए। चिकन रोस्ट विद फ्राइज। ओके, जरा सा चेंज इसका मतलब है, कल चना चाट खाए ना आप, कुछ डिफरेंट जी। जी अच्छा, ये मैंने नहीं, एक मिनट मेरा शोना शहजादा जी, ये बच्ची आई है स्किल्सटन से, ऑफ कोर्स स्किल्सटन तमाम अपने अपने, और मैं चाहती हूँ जितनी भी बच्चे बच्चियाँ हैं और जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी स्किल्सटन को कि जो आगे ये किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ये अपना बिजनेस करना चाहें, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहें, आप कुछ भी ऑन बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, देन द बेस्ट एफर्ट टू स्किल्सटन। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मुझे सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं, इस डिश का नाम बताएं, देन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलें जी। रेड चिली पाउडर, ओके, पेपरिका, सॉल्ट, ओके, वाइट पेपर, ठीक है, चिकन पाउडर, ठीक है, अनियन पाउडर, ओके, गार्लिक पाउडर, ओके, ब्लैक पेपर। अच्छा थोड़ी क्वांटिटी में जी। ओके, ड्राई मैरिनेशन है ये, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सोक कर लिया था ओवरनाइट। ओके, विनेगर, सॉल्ट, चिली पाउडर, विनेगर, सॉल्ट और चिली पाउडर उसमें डाल के आपने ओवरनाइट सारी रात रख दिया आपने भिगो के। आप टू आवर्स भी रख सकते हैं, टू टू थ्री आवर्स, ठीक। अच्छा अब उसके बाद जी, अब मैं ड्राई मैरिनेट, ये इसके अंदर क्या है? ये मैदा है, मैदा, ओके। इसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, ये तमाम मसाले जात। अच्छा आप टेस्ट के मुताबिक भी, जैसे कुटी मिर्चें आप यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं हम, ठीक है, ब्लैक पेपर जैसे हम काली मिर्चें कहते हैं, दखनी मिर्चें बहुत फायदेमंद है, वो नुकसान भी नहीं देती हैं, जैसे हम सफेद दखनी मिर्चों को दखनी मिर्चें कहते हैं, वाइट पेपर। ओके, मैं सादी सूदी, मेरी और जो है देखने वाली ऑडियंस जो है सादी सूदी है, तो हम सादी सादी जबान में बात करेंगे। एक तो इन लोगों ने ये ब्लैक पेपर यूं कर करके ना सारे लोग बेचारे कंफ्यूज हों, बहुत सिंपल सी डिश होती है, सिंपल अंदाज में हम बना रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैदा घर पे मौजूद होता है, लाल मिर्चें और काली मिर्चें, नमक सब आपके घर में मौजूद है, क्या कहते हैं, इसमें भी बन जाएगा, डोंट यू वरी, आप परेशान ना हुआ करें। चलें जी, हमने इसको मिक्स कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, ओके, ये हमने, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं कोई भी नात सुनाना चाहे, और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी मैं एक बार फिर अनाउंस करती हूँ, नातिया मुकाबला है 10 तारीख को, आप उम्र है 8 से 12 साल के बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला है, और उनके लिए टेस्ट लैंड की जानिब से गिफ्ट रैम्पर्स भी हैं जी। ये देखें वरीशा जो है ये, इसमें हम कोट करेंगे, कोट कर रहे हैं जी। अच्छा फ्लेम ज्यादा हॉट तो नहीं करनी, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं स्पेशली यहाँ पर मारूफ मसाले मौजूद हैं जिनके बहुत सारे जो है वो यानी कि यूजिंग में है, फिश का भी है, कबाब का भी है, तिक्का मसाले और कढ़ाई, सफ़ेद कढ़ाई जो हम कहते हैं ना, वाइट कढ़ाई बनाएं आप घर पे, और फिर इनके मीठों में कस्टर्ड भी मौजूद है, और इसकी खीर बहुत ईजीएस्ट आप बना सकते हैं, फिरनी और वो जो सेवैयां, अभी तो ईद भी आएगी ना, फिर बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत रिजनेबल चार्जेस में, और आप इन मसालों को टेस्ट करें, मारूफ मसाले बहुत मज़ेदार हैं, और ख़ास तौर पर ये मसाले बड़े एक प्रोसीजर से बने जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है जी। अब मैंने इसको कोट करके इसमें चिल्ड वाटर लेना है हमें, ओके, चिल्ड वाटर है, ओके, ठीक है, और इसको हम इसमें दोबारा कोट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या बन रहा है, हम क्या बोलेंगे इसे, ब्रोस्ट बन रहा है भाई जी, चिकन ब्रोस्ट, इसको ऐसे से मलना नहीं है जिससे उसकी, ओके, सिंपल चिकन पे हमें, ठीक है। अच्छा एक बार इनको पहले कोट किया मसाले में, फिर हमने इसको ठंडे पानी में डाला, चिल वाटर में, फिर उसके बाद दोबारा डाला है जी, बस एक बार जी। अब इसको डायरेक्ट जी जी क्या करना है, कुछ और करना है इसके साथ? नहीं, नहीं। अच्छा कुछ करना नहीं, नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी नाज़रीन, ओहो हो, फ्लेम भी स्लो कर दूं चंदा थोड़ी सा ताकि ये अंदर से भी पक जाए जी, बस ओके, गुड है।
बस दिस इज ओ साइज का कर लेंगे। ठीक ठीक हम ये आपको हटा दें। जी जी ये एक और पीस है जी, तो निकाल लो ना इसको भी। क्यों इस बेचारे को, इसको फिर बाद में बना लेना ठीक है, इसको भी, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम। आप बनाते रहिएगा कोई मसला नहीं है। प्राइस ले आए आप यहाँ पर। जी नाज़रीन लाइव शो में इस वक्त मौजूद है वरीशा और उन्होंने ब्रोस्ट बनाया है। आप अपने घर में भी अच्छा विंग्स आप ला सकते हैं, अच्छा जिसपे गोश्त वगैरह हो और वो रिजनेबल भी पड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है टांग आप लेग पीस ही लें, नो 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 वे, या चेस्ट पीस बड़ा सा लें। आप विंग्स में विंग्स भी ले सकते हैं हम सर, पर आपकी मर्जी आप ले सकते हो। ओके मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए हम लोग कैसे काम करें, किचन में अपनी बहनों की हेल्प करवाएं और अपने वालदा की हेल्प करवाएं। और मेरी बहन इस वक्त जो है बार बार नीचे झुक रही हैं और मैं ये इसको टच कर सकते हैं अभी अभी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप नीचे नहीं लगा। ओह जबरदस्त, वाह भाई वाह जी, गुड गुड। चले जी अब इसके बारे में बताएं सिस्टर, ये क्या साइज है ये? ऑलमोस्ट मैं इसको हाफ डन करके लेकर आई थी, ये बस okay. साइज है। ठीक है बस ये इसको हाफ डन कर दिया जी। अब आपने इसको फ्राई करना है। ओके आप हमारे साथ ही हैं ठीक है, जब हम आपको भी शिफ्ट करते रहेंगे। देन हम चलते हैं यहाँ पर नाथख्वा मौजूद हैं और माशाल्लाह जुबैर रहमानी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त काशिफ कादरी साहब भी मौजूद हैं और मैं उनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना चाहूँगी। जी काशिफ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شکر گزار ہوں وینس ایچ ڈی چینل کا اور تمام ان کی ٹیم کا، اللہ تعالیٰ ان کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور خصوص بالخصوص ہمارے مفتی غوث صاحب کا کہ ان کے توسط سے یہاں حاضر کا شرف مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بہت ہی مشہور و معروف، اسی سے انشاءاللہ اسٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، مانگنے والو مانگنا یوں چاہیے، مانگنا کسی اور سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات،
जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, खल्क से ओलिया ओलिया से रसूल, 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 उन रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आला आले व सहाबे व बारिक व सलीम। काशिफ कादरी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सना ख्वाह है। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और बरकत और रहमत अता फरमाए और माँ बाप की दुआएं हमेशा आपके साथ हों। और बात करूँगी यहाँ पर खूबसूरत महफिल जो है वो आगे जो है बढ़ती चली गई है और बच्चे भी आ गए हैं रोज़ा खुशाई के लिए, और वहाज स्पेशल हमारे गेस्ट हैं सैयद वहाज जैदी भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है स्पेशल ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में।